बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन सबसे पहले कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आपको सी इक्विवेलेंट निकालना सीखना है, टोटल कैसे निकालते हैं, है ना, अलग अलग डायग्राम में अलग अलग फिगर्स में किस किस बच्चे ने इसमें सिमेट्री की है, जिसने चैप्टर किया है, अरे कहीं किया है तो सिमेट्री की है क्या, सिमेट्री रेजिस्टेंस में हो, हाँ सी इक्विवेलेंट। इसके बाद इसमें एनर्जी के लॉस, एनर्जी लॉस क्या मैंने भी करा दिया, एनर्जी लॉस कितना आया था, हाफ सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर। लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत क्या हम लोगों को, एनर्जी लॉस का मतलब सीधा ये पता है, यू आई माइनस यू एफ बस, है ना, और एनर्जी लॉस लिखा है तो इसका मतलब एनर्जी तो आई गई। तो अभी मैं तुम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ सी इक्विवेलेंट पे। क्या किसी भी कॉम्बिनेशन में, कल मैंने दो सवाल कराए थे, क्यू निकालने वाले और वी निकालने वाले, क्या फॉर्मूले थे रिकॉल कराओ एक बार। हेलो, अगर बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है किसके सवाल पूछता है, सीरीज में कौन अलग, वी, तो वी के सवाल पूछता है वी वन रेशो वी टू वन बाय सी वन रेशो वन बाय सी टू, ये लगाना सिखाया था क्या, रेशो सीधी थी क्या, इसको सीधा करना था। अच्छा पैरेलल में बोलो, चार्ज के बारे में पूछता है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, कितना आया था क्यू वन रेशो क्यू टू बराबर सी वन रेशो सी टू आया था, सही है, बिल्कुल बेसिक सवालों से स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर वन, सवाल नंबर वन, पूरा टाइम है तुम्हारे पास और कोशिश करना सर्किट में ही सोल्व करो, किसी के पास पेंसिल है तो बहुत बेटर है, समझ गए, पेंसिल से सर्किट को सोल्व करो सर्किट के अंदर ही। ये क्या है, ये सर्किट ऐसा है, छह वोल्ट की बैटरी है, तीन फेराड चार फेराड, ये फाइन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। लो जी, फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर टू, देखो जिसको सॉल्व करने आएंगे वही इनसे भी आ जाएंगे, कितना मर्जी कॉम्प्लेक्स सर्किट ले लो मेथडोलॉजी वही है, है ना, एक बार आप ट्राई करो, एक बार फिर यहां देखते हैं हम, ट्राई करो कितना आएगा। लो जी, इन सबके ऊपर आपको वही सेम सवाल है कि चार्ज और पोटेंशियल बतानी है सबकी, क्या ये सवाल इनसे होंगे ना, इनसे देखो कैसे होंगे। बेटा सबसे पहले एक चीज देखो, एक बार पेन छोड़ो, सारे सवाल स्टार्ट हो रहे हैं, पहले मेरा मेथडोलॉजी देखिए दिमाग में क्या आता है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, अगर मेरे को चार्ज हर प्लेट का बताना है तो मेरे को टोटल चार्ज पता होना चाहिए, अगर मेरे को पोटेंशियल हर कैपेसिटर की बतानी है तो मेरे को टोटल पोटेंशियल पता होनी चाहिए। क्या टोटल पोटेंशियल तो पता है ना, यहां भी पता है, क्या टोटल चार्ज पता है मेरे को, इसमें कितना फ्लो कर रहा है, यार टोटल पता लगेगा तभी तो बांटूंगा, तभी तो बांटूंगा इसके हिसाब से, ये रहा। तो अभी मेरे को क्यों निकालना है टोटल, तो क्यों निकालने का फॉर्मूला तो भाई क्यों इक्वल्स टू सीवी ही है बस,
क्या इसके लिए वी नेट चाहिए? ये मेरे पास है। क्या पहले सी नेट नहीं? इसका मतलब क्या तुम हर सवाल की शुरुआत सी नेट निकालने से करोगे? यस, बोलो। ये दोनों किसमें? पैरेलल में आंसर सीधे सीधे जुड़ता है क्या? अरे पैरेलल में रिजल्ट क्या आया था? सीपी जो आया था वो C1+, और CS कैसे आया था? C1C2/C1+C2, या फिर C1C2C3/C1C2C2C3+C3C1, यही कराया था कल, वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। लगा के देखो, पहले सी निकालो कितना आ रहा है। बोलो 2 और 4 कितना बन गया? 6 बन गया। ये जो 6 आएगा इसके साथ किसमें होगा? सीरीज में। 6 और 3 का आंसर क्या 6 गुना 3/6 + 3 करके निकाल लोगे? तो क्या ये इतना आ गया? 2 आ गया। तो टोटल कितना आ गया? 2 आ गया। बोलो सी कितना आ गया? 2। ये C2 आ गया। वोल्टेज कितनी थी? 6। इसका मतलब क्या इस सर्किट में 12 कूलम चल रहा है? ये लो जी, 12 कूलम चला दो। 12 कूलम चला दिया। अब क्या मैंने तुम्हें बैटरी के मीनिंग बताए थे? अरे बैटरी के मीनिंग बोलो, ये कितने पे? तो ये भी 6 पे, ये भी कितने पे? ये 0 पे, तो ये 0 पे। ये आपको पता है जो ये मैं कर रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेंशियल मेथड। आप हर पॉइंट की पोटेंशियल मेंशन कर रहे हो, इसको पोटेंशियल मेथड बोलते हैं। तो ध्यान रखना, पोटेंशियल मेथड से शॉर्टकट चीज है ही नहीं दुनिया में। अभी ये 0, ये 0, ये 0। तो बेटा एक बात बताओ, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 6। इतना समझ में आ गया? नहीं आया भाई? ये 6 पे है, ये 6 पे हो गया, ये 0 पे, ये 0 पे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। 6 ही आ गया ना, 6 - 0। पर एक बात देखो, इन दोनों को मिला के कितना बन रहा है? 6 बन रहा है। तो जो मेरी 6 थी, क्या वो 3 में बटी और 6 में बटी? क्या ये दोनों सीरीज में नहीं है? सीरीज में क्या डिफरेंट होता है? पोटेंशियल कैसे बढ़ता है? देखो, क्या मेरी 6 वोल्ट 3 3 फेराड वाले के पास चली गई, और इन दोनों का कॉम्बो कितना था? इसमें चली गई। क्या इसको V1 इसको V2 नहीं मान ले हम? इस वाले के पास V1 चली गई, इसके पास। तो क्या V1 रेशो V2 कैसे आएगा? 1/3 रेशो 1/6 नहीं आ जाएगा? किस किस को नहीं आया भाई? ये जो कॉम्बो है ना, इसको एक एक बना के सोचो। ये 3 वाला, ये 6 वाला। मेरी टोटल 6 थी, वो 6 इसमें भी गई और उसमें भी गई, तो ये ऐसे बट गई। बोलो एलसीएम कितना सी कितना आ गया? 2:1 नहीं आ गया? ये 2:1 आ गया सीधा करके। बोलो V1 कितनी? अब टू 2/3 किसको बांटना है? 6 को। तो क्या 4 वोल्ट नहीं आ गई? तो V1 किसको मिली? 3 फराड वाले को। तो इसको कितनी मिल गई? 4 वोल्ट नहीं मिल गई? 4 वोल्ट में से इनको इनको कितनी मिली होगी दोनों को? क्या पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है? अगर इस कॉम्बो को 2 वोल्ट मिली है, तो 2 वोल्ट इसकी भी है, 2 वोल्ट इसकी भी है। क्या सबका सी आ गया, सबका वी आ गया, सबका क्यू नहीं आ जाएगा? क्यू इक्वल्स टू CV। बोलो कितना? CV कितना बन गया? 12। तो +12 - 12 इस पे 2, ये +4 - 4, 4 × 8 +8 - 8। सवाल खत्म। आपने स्टेप्स देखे? क्या समझ में नहीं आया बोलो? ये समझ में नहीं आया? एक बार इधर देखो सारे। बेटा अगर मैं ये कहता कि ये 3 फेराड का है और ये 6 फेराड का है, ऐसे कल हमने ऐसा सर्किट किया था, क्या था ये? कितना है? 6 वोल्ट। इधर देखो, जिसको समझ में नहीं आया, ये सर्किट ऐसा दिख रहा है ना, जो इसको माइंड में या सिंप्लीफाई करके साइड में ऐसा बना लो, छोटा कर लिया ना मैंने सर्किट को। रिड्यूसिंग द सर्किट एक स्टेप होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। जो चीज आपको कॉम्प्लिकेट लगे उसको छोटा करके बना के साइड में लिखो, एंड देन थिंक। ये देखो 3 और 6, तो मेरे को 6 बांटना है 3 और 6 में। तो यार वोल्टेज तो कैपेसिटेंस की उल्टी रेशो में बढ़ती है ना। क्या मैं मान लू इसमें से V1 यहां चली गई और V2 इधर चली गई? कल वाला सवाल देखो, एग्जाम्पल जो कराया था बिल्कुल सिमिलर है ना। तो ये वोल्टेज आ गई, सबकी वोल्टेज आ जाने से चार्ज आ जाएगा। तो पहले सवाल से सीखने की चीज क्या है? जब मेरे को ये निकालना हो ना, ये
तो सबका वी निकाल लो। ये देखो मैंने इसका वी निकाला 4 वोल्ट, इसका निकाला 2 वोल्ट। अगर इसका 2 वोल्ट है तो इसका भी, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होती है, वोल्टेज। इसकी वोल्टेज 2 है तो इसकी भी 2 है। बोलो इसका सी कितना, 4। फॉर्मूला लगाया सी वी, सी कितना है 4, वी कितना है 2, 4 × 2 = 8, +8 - 8, +4 - 4, +12 - 12। गया कुछ? सेम मेथडोलॉजी इसमें अप्लाई करो। टेक योर टाइम, जितने सवाल करोगे उतने करवाएंगे, जब तक आएगा नहीं। क्या पहले सी नेट निकालना पड़ेगा? सी नेट निकालो इसका। कर भाई हर्षित, कुछ फायदा हो रहा है? आ रहे हैं सवाल? बता आंसर आ गया इसका? तुम्हारे तो यार बहुत जल्दी आ जाने चाहिए, आगे चल रहे हो तुम। कुणाल समझ में आया? कनिष्का आ रहे? बेटा ये दोनों किसमें है, जो इनका आंसर आएगा उसके साथ। नहीं पुत्र, ये देखिए दो पहले पैरेलल में, इन पॉइंट्स को पकड़ो, ये दोनों पैरेलल, इन दोनों, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। जो इनका आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल, और जो इनका आंसर आएगा उसके साथ सीरीज। सीक्वेंट कितना है, 4। वन फोर्टी फोर चार्ज कितना चला है, टोटल कितना बता रहा है, 144। देखो इधर एक बार, 4। देखो एक बार, किस किस को नहीं पता लग रहा कौन सीरीज कौन पैरेलल? भाई जिसको नहीं पता लग रहा ना, सिंपल मेथड है, चार्ज को चलाओ। ये देखो यहां से चार्ज चलेगा, मैंने मान लिया क्यू, चलाया, अभी क्यू निकालेंगे। ये क्यू चला इधर, इधर देख लो सारे, बेटा क्यू यहां गया गया गया, केस में तो क्यू ही गया, पर क्या यहां जाते ही रास्ते बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? इस वाली रो में चार्ज अलग गया और इस वाली रो में चार्ज, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये चीज और ये चीज दोनों में चार्ज अलग अलग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये वाली नीचे वाली चीज और ये ऊपर वाली चीज पैरेलल में हुई कि नहीं हुई? हुई। बोलो ये दोनों इसमें दिख रहे हैं कितना, 4 और कितना आ गया, क्या इनका 12 आ गया? क्या ये 12 इस 6 के साथ सीरीज में, तो कितना आएगा, 6 × 12 / 6 + 12 है ना, कितना आ गया, ये 4 आ गया। क्या ये जो 4 है, क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकाल लिया ना? देखो ध्यान से, मैंने इसको सोल्व किया, मैंने इसको सोल्व किया, इसको इसके साथ सोल्व किया, तो ये तो खत्म हो गया ना, इसको पूरे को इरेज करके एक ही बना दो। कितने का, क्या ये ऐसा नहीं बन गया? कितने का है ये, 4 का। ये कितने का, 4 का। 4 और 4 किसमें, 4 और 4 8 हो गए, तो ये दोनों, ये 4 और ये 4, ये दोनों कितना आंसर दे रहे हैं, 8। जो 8 आएगा वो 8 इसके साथ किसमें होगा, सीरीज में, और 8 और 8 का आंसर C/2। सिखाया था जब दोनों इक्वल हो तो आधा कर दो, 8 और 8 सीरीज में, तो आंसर 4 आ गया। तो बताओ क्या आंसर टोटल सी कितना आया, 4 फेरा है। टोटल वोल्टेज कितनी है, 36। अरे बातें मत करो भाई, बोलो क्यों कितना आएगा, सीवी क्या, 36 × 4 कितना आ गया, 144 कुल। तो मुझे एक बात तो क्लियर है कि यहां से कितना जा रहा है, 144 कूलम जा रहा है, इसको बांटना है मेरे को, सही है? हाँ, क्या ये चार्ज यहां पहुंचा? अब सुनो, सबसे पहले क्या वोल्टेज मेथड लगाएं,
वोल्टेज मेथड ये कितने पे है? 36 पे। तो ये भी कितने पे भाई? बातें मत करो। 36 ये क्या? तो ये कितने पे? पता ही नहीं। अरे पता है तुम्हारे को ये? अगर ये 36 पे है बेटा, ये 36 पे है, तो क्या ये वाला पॉइंट 36 पे होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप इधर जा रहे हो ना भाई, आपके रास्ते में कैपेसिटर आ गया। तो ये वोल्टेज 36 थी, 36 नहीं रहेगी, अब कुछ और रहे। हमें नहीं पता कितनी होगी, है ना? तो लेकिन इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस कितना? 36, है ना? बोलो इस पूरे का आंसर कितना आया था? 8 आया था। तुमने जब सोल्व किया होगा, इतने का आंसर कितना आया है? 8 आया ना आंसर। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है? एक तो 8 ये रहा और एक 8 आगे है ना, और यहां कितना लगा हुआ है? 36 वोल्ट लगा हुआ है। तो 36 में से 18 इधर जाएगा, 18 इधर नहीं जाएगा, क्योंकि 8 फेराड और ये 8 फेराड। क्या वोल्टेज हमेशा कैपेसिटेंस की उल्टी रेशो में बढ़ती है? क्या कैपेसिटेंस तो बराबर है? अगर कैपेसिटेंस बराबर है तो वोल्टेज भी बराबर बटेगी। तो 18 इस पे चली गई, 18 नहीं आ रहा। कोशिश करो डायग्राम में सोल्व करने की। ये कितना बन गया? 18 वोल्ट। इसका चार्ज बता सकते हो कितना आ गया? इसका बता सकते हो? अब बता दिया मैंने, ये टोटल 18 आ गया। करना सॉल्व, करो करो बेटा। जिसको मुश्किल लग रहा है ना, क्या करो, इतने सर्किट को बाहर निकाल लो, अलग से बना लो, और सोचो इन दोनों के बीच में 18 है। ठीक है भाई, बातें मत करो। हाँ तो निकालो। हाँ जी, इसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो 144 आ रहा है, सारा का सारा इसमें तो जाएगा ही। तो ये तो 144 आ ही गया इसका। वैसे भी देख लो, 18 और 8 की मल्टीप्लाई करो, 144 तो वैसे भी आ रहा है। नहीं पल दिमाग में नहीं जा रहा? हाँ जी, अरे वोल्टेज निकालिए। पहला स्टेप क्या है? सी नेट। दूसरा स्टेप क्या है? क्यू आ जाएगा। तीसरा स्टेप सबकी वोल्टेज देख ली मैंने, और उसके बाद सबका क्यू ईच देख लिया। चौथे स्टेप में क्यू ईच सीवी करके निकालना है। ये स्टेप्स कर रहा हूं मैं। तुम्हारे को एक एक सर्किट अलग से बनाना पड़ेगा। हाँ जी, लो जी इधर देख लो एक बार। अरे ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या ये 8 फेराड था? इसे पिछले वाले को सोल्व किया तो मेरा कितना आया? 8 फेराड। उसका कितना है? 18 वोल्ट। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में, हेलो, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में ऐसा है। ऐसा है भाई। लो, अरे क्या प्रॉब्लम हो गई आयुष? इधर देख लो यार, ये कितना है? 6, ये 4, ये कितना है? 8, ये कितना है? 4। भाई इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल रहा हूं मैं? 18 वोल्ट। इन सबको सोल्व करके 8 आया था ना, इनका कितना था? 18 वोल्ट। तो इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 18 वोल्ट है कि नहीं? क्या ये वाला जो ये वाला है, ये वाला तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ही है ना? ये देखो, तो इसकी वोल्टेज कितनी? इसकी तो 18 वोल्ट हो ही गई, और इन दोनों की भी 18 वोल्ट होगी कि नहीं होगी? हम देखो इस नीचे वाली रो को लिखते हैं, क्या इसका काम हो गया? इसकी वोल्टेज लिख ली, अब नीचे वाली रो बची। क्या ये जो नीचे वाली रो है यहां तक, ये भी तो दोनों इन पॉइंट्स के बीच में है। तो क्या करो, ये 6 फेराड, ये और ये भी कितने भी बीच में है? 18 के बीच में, 18 वोल्ट है ना। तो अभी ये कितने पे जाएगा? ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है। इन दोनों का आंसर कितना आया था? इनका आंसर 12 आया था ना। इसका मतलब मैं ये चाहता हूं कि मेरी 18 वोल्ट 6 वाले को मिले और 12 वाले को मिले। बराबर कैसे मिलेगी बेटा? 6 और 12 है ना, वोल्टेज बांटनी है। क्या मैं इसको मान लू, इसको V1 मिली और इसको मान लू कितनी?
इस पूरे को कितनी मिली, वी टू, ये पूरा कितना था 12, तो क्या वी वन रेशो वी टू इक्वल्स टू 1/6, 1/12, डन, बोलो 1/6, सीधा करो इसको, क्या 2:1 आ गई, वी वन की वैल्यू 2/3, किसको बांटना है, 18 को, कट गया, तो 12, इसका मतलब इसको कितनी मिली, तो इसको 12 मिल चुकी है, तो 12 में से बची कितनी, 6, वो 6 इसको मिल गई, अगर 6 इसको मिली तो 6 इसकी भी तो है, दोनों किसमें आया, कुछ समझ में, छाप लो इसको, पूछो, ये समझा रहा हूं इसलिए लंबा लग रहा है नहीं, जिसको बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा लास्ट में कॉपी पे समझ जाना भाई, बता दो अब चार्ज कितना कितना आया, 6 का, 6 वाले पे 12 वोल्ट आ गया, 12 6 72 प्लस 70, मतलब 72 आ गया, 72 कूलम, अच्छा जी, इस पे कितना आया, 6, 6 और 8 ये 48 हो गया, 6 और 4 इस पे 24 हो गया, 4 वाले पे 18 आया था, 18 चौक 72 हो गया, तो 72 कूलम, हर प्लेट का मैंने चार्ज भी लिख दिया, पोटेंशियल भी लिख दी, समझ में आया, समझ में उतार लो आराम से इसको, अब जो मन में आ रहा है वो भी लिख लो, जो यहां लिखा वो भी लिख लो, बाहर जाके बात कर लेना यार, क्यों मुड़ रहा है तू पीछे, क्यों देख रहा है, हाँ जी एक और करोगे, पता नहीं अभी, हाँ जी एक और कराऊं, दो और करा देते हैं, लास्ट 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 लास्ट, शांति करण, तुम्हारे को अलग बिठाया करूंगा, खड़ा वहां से, खड़ो खड़ा खड़ो, हाँ खड़ो उधर, चल कृषि अंदर आ तू, चल बाहर, तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, अब की बार वहां बिठाऊंगा पीछे, अंधा हूं मैं, अपनी मर्जी के डायग्राम बना लो भाई, प्रैक्टिस करनी है, सवाल नंबर 3 लो, सवाल ये 20 वोल्ट ले लो, 1 माइक्रो फेराड, 2 माइक्रो फेराड, ये 3 माइक्रो फेराड, 6 माइक्रो फेराड, 4 माइक्रो फेराड, याद रखना तुम्हारा जो चार्ज आएगा अब की बार माइक्रो कूलम में आएगा, इतना अंतर है बस, सेम सवाल है, फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच प्लेट, फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच प्लेट, भाई मुंह बंद करके सवाल करो, मुंह बंद करके, एक काम करो इसको ना 2 ले लो, हो जाएगा थोड़ा सा, 4, हाँ 1 ले लो, 1 ही ले, 1 लेके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसने 1 लिया वो 1 ले लो,
टोटल 11 आ रहा है, 2 लेना है, 2 बोलो। दो और दो किसमें, पैरेलल में, तो इनका आंसर 4 आ गया कि नहीं आ गया, 4। इन दोनों का आंसर 6 और 3 9 आ गया। क्या ये 9 और 4 किसमें, सीरीज में, जो इनका आंसर आएगा उसके साथ पैरेलल में। समझ में आ रहा है ना, 9 4 पैरेलल में, 9 और 4 का आंसर कितना आ रहा है, 9 × 4/9+4 कितना आएगा, 36/30। पहले सही था, वैल्यू आसान आ रही थी, कितनी आ रही थी, 3 3 और 9 बन रहा था। कोई बात नहीं, 36/13 हो गया, 51 लेके करूं, 36/13, ये 36/13 इसके साथ किसमें, पैरेलल में, तो मेरा जो सी नेट आएगा 36/13+4 नहीं हो जाएगा, बोलो कितना आया, 88/13, ये सी आ गया भाई, डन। मेरे को क्या चाहिए, क्यू, क्यू इक्वल्स टू सी कितना, 88/13, वोल्टेज कितनी, 20। अभी सोल्व मत करो, फ्रैक्शन में छोड़ दो, है ना, बोलो ये कितना है, 20 वोल्ट। भाई मैंने तीसरा सवाल कराया है और तीसरे सवाल में सेम मैथ, सेम स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, पहले सी निकाल रहा हूं, फिर क्यू निकाल रहा हूं, फिर हर पॉइंट की पोटेंशियल लिख रहा हूं, बोल कितनी, बोलो कितनी, बोलो कितनी, 20 है ना, ये भी, ये 20 तो, ये भी, ये कितना, ये कितना, ये कितना, 0 है ना। तो बोलो 20 और 0 के बीच में तो वोल्टेज कितनी, इसकी 20 ही तो आएगी, इसका तो काम ही खत्म हो गया, सबकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज 20 वोल्ट आ गई, चार्ज बोलो कितना आया, सीवी, सी एरा वी एरा कितना आ गया, 80 आ गया आंसर, आ गया। इसका बताओ, अभी देखो क्या ये 20 है यहां पे, ये कितना, 0, ये टोटल कितना आया था, 4, ये कितना आया था, इसका मतलब मेरी 20 किस किस में बट गई, 4 और 9 में, किस रेशो में बटेगी, हाँ जी, क्या मैं इस पे V1 मान लूं और इस पे V2, V1 किस पे गई, V2 किस पे गई, तो बोलो V1 रेशो V2 1/4 रेशो 1/9, क्या 9 रेशो 4 आ गया, सही है, V1 की वैल्यू 9/ किसको बांटना है, 20 को, 20 थी ना ये, 20 को इसमें और इसमें, तो V2 कितना आएगा, 4/ खत्म, सबकी वोल्टेज आ गई, सी से मल्टीप्लाई कर देना, चार्ज आ जाएगा, सही है, कर लोगे, एक और करो, सारे 2 हैं भाई, ये 2 माइक्रो फैराड, 2 माइक्रो फैराड, 2 माइक्रो फैराड, क्या बेटे, क्यों ही चाह तो गया इसमें, ये देख इसकी इसकी वोल्टेज कितनी आई, तो इसका क्यों कितना आ गया, 80। V1 कितनी आई, ये री, अभी सी निकालना है, सी ए बी निकालो, ये मान लो बी सी और ये डी, यहां पे निकालना है सी ए बी और सी सी डी, ये 2 क्वेश्चन निकालने हैं। देख इधर, ये वोल्टेज इसकी आ गई, जो वोल्टेज इसकी आई है वो इसकी भी तो है, क्यू इक्वल्स टू सी बी, ये वोल्टेज आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्यू आ गया, उसका भी आ गया, उसका भी आ गया, उसका भी आ गया, सबका आ गया, कितने स्टेप्स लग रहे हैं, 4। पहला सी निकालो, फिर क्यू निकालो, फिर पोटेंशियल लिखो, सबका पोटेंशियल ईच लिखो, आंसर आ गया,
है ना। ट्राई करो, अभी मेरे को यहां पे वोल्टेज नहीं बतानी, टोटल सी बताना है। लो जी, थोड़ा सा टाइप बदल रहा है ना सवाल का, टाइप बदल रहा है, इससे सीखो क्या सीखना है। देखो इधर बेटा, सी ए बी, सी ए बी का मीनिंग, सी ए बी का मीनिंग होता है करंट। इधर देख लो, इधर ए बी का मतलब होता है ए से करंट एंटर कर रहा है और बी से निकल रहा है। इसका मतलब है सी इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब अगर चार्ज यहां से चले और बी में से निकले, सही है। और सी डी का मतलब सी से स्टार्ट हो, मतलब सी से एंटर करे और डी से निकल जाए। बोलो, अगर यहां से सी से एंटर किया, कैसे रास्ते पट गए। और फिर ये ऐसे हमेशा ऐसे सवालों को पीछे से स्टार्ट करो। ये देखो, ये दोनों जो चार्ज बेटा यहां से जाएगा, हम पहले ये कर लेते हैं सी और डी के बीच का। देखो इधर क्या करो, सी और डी को पकड़ लो, पकड़ लिया, यहां से सी से चार्ज भेजा, इसमें भी गया और इसमें गया, जो चार्ज इसमें जाएगा वो इसमें भी तो जाएगा, तो दोनों में क्या गया, सेम गया, तो दोनों इसमें सीरीज में, दो और दो का आंसर एक। सीरीज में कैसे जुड़ते हैं, उल्टे हो गए, तो कितना आंसर आ गया इनका, वन। जो ये वन आएगा, आपने तो इनको पकड़ा हुआ था ना, ऊपर कितना आ गया, वन, और इनके बीच में और कौन है, टू, वन और टू इसमें पैरेलल में, तो आंसर कितना आ गया, तो ये तो तीन ही आ गया ना, 3 माइक्रो फेराड, सही है। जब तुम्हारा सी और डी के बीच में आंसर आ गया, तो ये ऊपर वाला इरेज कर दूं, देखो ये ऐसा बन गया, ये क्या है ए, ये क्या है बी, बोलो कितना, दो, ये कितना, सबको सोल्व करके कितना आ चुका है, तीन, ये कितना, किसमें लग रहे हैं तुम्हें ये, अगर चार्ज यहां से एंटर करेगा तो सब में सेम नहीं जाएगा, सब में सेम जाएगा तो तीनों किसमें हो गए, सीरीज में, दो तीन और दो, क्या करूं, 2 × 3 × 2/2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6 + 2 × 2 = 4, C1 C2 C2 C3 C3 C1, कितना आ गया, 3 × 6 × 12, 12/16 आ गया, 3/4 आ गया, तो दिस इज 3 माइक्रो फेराड। बाकी करेंगे कल भाई, समझ में आया। अभी सिर्फ क्यू और वी निकालने सिखाए हैं, अभी ये सारी चीजें सर्किट्स में यूज होंगी, इनको ढंग से प्रैक्टिस करके आना।